नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए। कहाँ पे जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं हरदोई के आगे होते हुए बिलकराम से थोड़ा और कुछ आगे चल के करीब 8-9 किलोमीटर के पास में सदरपुर के पास में एक गांव है। वहां पर भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करेंगे। ललिता शास्त्री जी और जितेंद्र शास्त्री जी की वहां पे भागवत कथा चल रही है, तो वहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं और आप लोगों को वहां का नजारा दिखाते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा और तो चलते हैं दोस्तों। पुरुष पर रखना तपन तली बिटियाई हो। जैसा कि अभी गांव की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था बिलकराम के आगे सदरपुर के पास में रुधौली गांव में भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए आए थे। और यहां पे सूर्य नारायण जी यहां पे निकल चुके हैं और देख सकते हो कितना मस्त यहां पे लोकेशन है, जो कि अभी हमें रुधौली गांव में रिकॉर्डिंग हो गई। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। यहाँ पे इस गाँव में दोस्तों देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बनबरी हैं, एकदम जंगल जैसा लग रहा है। और भैया राधे राधे। बोतल का अंदर है, देख सकते हो यहाँ पे गेहूं की बुआई बहुत ही ज्यादा चल रही है। और ये ट्रैक्टर जा रहा है, इसको जूम करते हैं, देख सकते हो। वाओ, जूमिंग बहुत अच्छी अच्छी है हमारे फोन में। ये और जहाँ पे भी इधर साइड में देखोगे सब बनबूरी है, इधर भी बनबूरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है। अभी आ गए हैं भागवत कथा की रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे, जो कि रात में रिकॉर्डिंग कर ली है। देख सकते हो यहाँ पे ये मंच बना हुआ है। जितेंद्र शास्त्री और ललिता शास्त्री की यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी, बहुत ही मस्त मंच है यहाँ पे, जो कि रात में रिकॉर्डिंग की थी। और ये कौन सा गाँव है आप को अभी बताते हैं। बहुत ही दूर आए हैं अभी बिलग्राम के आगे, करीब 7 किलोमीटर आगे। सारी तुमको सती सती सारी। आज है दूसरा दिन। कल जो रिकॉर्डिंग करने गए थे सदरपुर के पास में रुधौली गांव पड़ता है, वहां पे हमने रिकॉर्डिंग की, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और फाइनली अभी हम अपने खेत में हैं, देख सकते हो यहां पर बाइक पे बैठे हुए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और राधिका स्टूडियो संदीप यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी आगे ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।